हेलो गाइज़, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहां पर सीखने वाले हैं कि अज़रोदा ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको कैसे पढ़ना है। दोस्तों, जब भी आप दिन भर ट्रेडिंग करते हो, चाहे वो इंट्राडे हो या पोजिशनल ट्रेडिंग हो, तो शाम को आपको मेल पर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है जिसमें बताया जाता है कि आपने दिन भर में क्या क्या ट्रेड की, कितना ब्रोकरेज कटा और एट द एंड ऑफ द डे आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट आप घर लेके जाने वाले हैं। तो हर ट्रेडर को ये पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट है उसको कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से कितना टैक्स कट रहा है, कितना ब्रोकरेज लग रहा है, वो पता लगे ईजिली। तो हम आज हमारे सामने, अभी आपके सामने दिख रहा होगा एक, ये हमारा अज़रोदा ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट नोट है और यहाँ ये इसको मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑर्डर नंबर। तो दोस्तों, ये ऑर्डर नंबर वो होता है जो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, उसको बोलते हैं यहाँ पर हम ऑर्डर नंबर, ठीक है। उसके बाद सेकंड चलता है ऑर्डर टाइम। तो दोस्तों, ये वो कॉलम है जिसमें आपको बताया जाता है कि किस टाइम पर आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेड नंबर, जिस एक्सचेंज में भी आप ट्रेड करते हैं उसको आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, वो यहाँ पर मेंशन होता है। उसके बाद आता है दोस्तों ट्रेड टाइम। अब दोस्तों, ट्रेड टाइम ये वो टाइम है जहाँ यहाँ पर जिस टाइम पे आपका ट्रेड एक्सिक्यूट हुआ है, मतलब ऑर्डर आपका एक्सिक्यूट हुआ है। अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या सिक्योरिटी है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, किस में आप ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी की 32,900 की पुट, इस टाइप से जो भी आपकी ट्रेड है वो यहाँ पर मेंशन होगी। फिर दोस्तों नेक्स्ट, बाय और सेल, क्या आपने बाय किया है या सेल किया है। फिर यहाँ पर मेंशन होता है एक्सचेंज, कौन से एक्सचेंज में आपने ट्रेड किया है, सिंपल NSE हुआ तो NSE वरना BSE। उसके बाद कितनी क्वांटिटीज़ हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन होंगी। फिर उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है ग्रॉस रेट ऑब्लिक ट्रेड प्राइस पर यूनिट, इसका मतलब दोस्तों ये किस प्राइस पे आपका ट्रेड एक्सिक्यूट हुआ है वो यहाँ पर इस कॉलम में आपको मेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है ब्रोकरेज पर यूनिट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, बहुत से ब्रोकर्स के कॉन्ट्रैक्ट नोट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि प्राइस के साथ ही वो ब्रोकरेज ऐड कर देते हैं, बट इनका ज़रोदा का क्या है वो यहाँ पर लास्ट में अलग से यहाँ पर वो आपको बताएंगे ब्रोकरेज कितना लगा। तो ये वाला कॉलम हमेशा आपको खाली मिलेगा। फिर आता है नेट रेट पर यूनिट। तो दोस्तों, ये वो है, वो प्राइस है जिस प्राइस पर आपका ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है। तो मोस्ट ऑफ यहाँ पर जो ग्रॉस रेट और नेट रेट है, ये मोस्ट ऑफ हमेशा आपका यहाँ पर सेम ही रहेगा, क्योंकि जो ब्रोकरेज वाला पार्ट है वो अलग से चार्ज करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों क्लोजिंग रेट पर यूनिट ओनली फॉर डेरिवेटिव। दोस्तों, ये क्लोजिंग रेट पर यूनिट का मतलब क्या, मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये केवल उन चीज़ों के लिए है जहाँ पर, अब अगर आपने कोई डेरिवेटिव में कोई पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर ली हुई है, चाहे वो कैसी भी पोजीशन हो, मतलब चाहे वो हेजिंग हो या नेक्ड पोजीशन हो, मतलब इन द सेंस डेरिवेटिव की कोई भी पोजीशन का जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो यहाँ पर आपको मेंशन होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। मतलब जैसे मान लो अगर आपने कोई 35,000 की कॉल बाई की 100 रुपये पे, ठीक है, और जिस दिन का एक कॉन्ट्रैक्ट नोट है उस दिन उसका 100 का प्राइस हो गया 130 रुपीज़, तो यहाँ पर आपको 130 लिखा मिलेगा, मतलब जो भी आपका प्राइस है वो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो दोस्तों, फिर आता है नेट टोटल बिफोर लेविस। दोस्तों, ये यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर लोगों को डाउट आता है कि ये क्या है। तो दोस्तों, सिंपल ये वो मनी है जो आपको मिलेगी या आपको देनी पड़ेगी। अब दोस्तों, मैं आपको अपनी ट्रेड के हिसाब से समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्या सिनारियो बनता है। तो दोस्तों, ये जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट है इसमें यहाँ पर मेरी दो ट्रेड है, मतलब एक तो है हमारी पोजिशनल और एक है हमारी इंट्राडे। तो दोस्तों, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट नोट थोड़ा अलग तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको इंट्राडे का जो ट्रेड है उसके हिसाब से मैं समझाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या आया है। तो दोस्तों, मैं नीचे चलता हूं, तो यहां पे इस पोजीशन पे जो हमारी, आपको दिखाता हूं, एक मिनट, ठीक है। तो दोस्तों, जिस जो मैं रेक्टेंगल यहाँ पे बना रहा हूँ, दोस्तों इस रेक्टेंगल के अंदर जो मेरी ट्रेड्स हैं वो है यहाँ पर मेरी इंट्राडे पोजीशन, ठीक है ना। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे मैंने 34,000 की कॉल को बाई किया था, 100 क्वांटिटीज़,
540 के प्राइस पे। फिर हम मैंने इसमें 50 क्वांटिटी और डाली एट द प्राइस ऑफ 532, फिर डाली 529 पे। तो मतलब यहाँ पर मेरी ओवरऑल 175 क्वांटिटी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर प्राइस आ गया 540, 532, 529, ठीक है, एवरेज। तो दोस्तों सबसे पहले 5400 का ट्रांजेक्शन, जो लास्ट वाला कॉलम है लेविस वाला, वो देगी 5400 का, फिर 26607 और फिर 1323। ये मेरी बाई की यहाँ पर पोजीशन है जब मैंने डाली। फिर उसके बाद मैंने इसको क्या स्क्वायर ऑफ किया, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले 25 क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ किया एट द प्राइस ऑफ 697, जो कि हुई 17440। उसके बाद 697 के प्राइस पर एक और 25 क्वांटिटी 17440 के प्राइस पर, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 125 क्वांटिटी एट द प्राइस ऑफ 697। तो मेरे को टोटल मिला 87193 का। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सिंपल क्या होगा कि जो आपने प्राइस बाई किया है, जितने प्राइस पर आपने बाई किया है, फिर आपने सेल किया, जो आपका प्रॉफिट हुआ वो हो गया मेरा यहाँ पर 28231, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन रहा 23731। तो दोस्तों आपको लगेगा कि यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, मतलब मेरे को प्रॉफिट हुआ 28,000 का और यहाँ पर दिखा रहा है केवल 23,000, तो वो क्या सिनारियो, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट मिक्स है यहाँ पर इंट्राडे का और पोजिशनल ट्रेड का, ठीक है ना। अब ये मैंने अब देखो दोस्तों, जैसे कि मुझे पता लगा कि भाई मेरे को इंट्राडे ट्रेड पे 28K का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब हम ज़रा देखते हैं एक बार पोजिशनल ट्रेड, ठीक है अपनी। तो दोस्तों ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये मेरी पोजिशनल ट्रेड्स है, ठीक है। ये दोस्तों जो मैं अभी रेक्टेंगल के अंदर बना रहा हूँ, ये मेरी होगी पोजिशनल ट्रेड्स। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेरी हेजिंग पोजीशन है, जो कि मैंने स्क्वायर ऑफ किया था। तो दोस्तों बाई पोजीशन को सेल करूँगा और सेल पोजीशन को बाई करूँगा, जब भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करूँगा, सिंपल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपनी 32,800 की पुट को सेल किया और उसका ओवरऑल बैठा 6691, ठीक है। और जब मैंने उसको पोजीशन को बाई करा, मतलब जो सेल पोजीशन को बाई करा, उसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया 11,191 का। तो मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 5K का समथिंग का। तो मतलब दोस्तों 28+5K यहाँ पर मेरा ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए 33,000 का, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, 33,000 का मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए, 5,000 का मेरा पोजिशनल में और 28,000 का इसमें किसमें मेरा इंट्राडे में। बट अगर मैं अब नीचे चलूँगा, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, जो ओवरऑल पार्ट आपको मिलेगा, अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर एक मज़े वाली बात आपको यहाँ पर दिखेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पे इन पे आउट यहाँ पर दिखा रहा है 23731। अब दोस्तों यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई मिलेगा 120, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज लगा इतना, फिर यहाँ पर GST ये सब यहाँ पर लगेगा, जो लगेगा वो सब मेंशन होगा, फिर STT, उसके बाद यहाँ पर सेबी टर्नओवर फीस और स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सब लग के यहाँ पर जो हमारा ओवरऑल लगा है वो लगा है दोस्तों यहाँ पर 400 कुछ का। तो ओवरऑल प्रॉफिट हमको दिखा रहा है यहाँ पर 23,376। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमको प्रॉफिट हुआ था 33,000 का, बट यहाँ पर 23 दिखा रहा है, वो क्यों दिखा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर 23 का यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है कि यहाँ पर जो मेरे इंट्राडे का प्रॉफिट हुआ था वो था दोस्तों 28K, बट यहाँ पर जो मेरा पोजिशनल में प्रॉफिट हुआ है 5K का। दोस्तों जो अब मैं आपको बता दूँ, जब भी आप कोई भी ट्रेड ओपन करते हो, मान लो हेज की होगी और मतलब आपने सेल भी किया और बाई भी किया, हेज किया है, तो दोस्तों जो उस टाइम पे आप सेल करते हो तो वो उस टाइम पे हाथों हाथ आपके अकाउंट्स में हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको शो नहीं करेगा, और जो आप बाई किए हो, ठीक है, वो उस टाइम पे आपके वहाँ से हो जाएगा डेबिट, जब आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे जिस दिन। तो जो क्रेडिट वाला वो तो आपको क्रेडिट हो चुका है, पर जिसमें आप डेबिट करोगे, जो आप सेल पोजीशन को जब आप बाई करोगे, तो वो क्या है, उस दिन आपके वहाँ अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे 5,000 तो मेरे गायब हो गए यहाँ से, 28 की जगह मेरे को 23 ही मिल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, जब आपने जिस दिन आपने अपना कोई भी ट्रेड ओपन किया होगा, तो जो सेल वाला है वो तो हाथों हाथ अकाउंट में आ जाता है, ठीक है, और जो आपका बाई वाला पोजीशन जिस दिन आप स्क्वायर करो वो डेबिट होगा ओवरऑल से। तो यहाँ पर अब जैसे मेरा एक इंट्राडे की पोजीशन और एक यहाँ पर किसकी पोजीशन है, एक इंट्राडे की और एक पोजिशनल, तो इसलिए मिक्सअप हो रहा है। बट यहाँ पर आप ये देखना, जब आप
जिस दिन आप पोजीशन ओपन करोगे तो सेल वाला अमाउंट सीधा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और बाई वाला वहाँ से डेबिट हो जाता है। बट जब जिस दिन आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे तो वो डेबिट करके उससे वहाँ पे डेबिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो आपकी बाइंग वाली पोजीशन है वो डेबिट होगी जिस दिन आप यहाँ पर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे। तो इसलिए 28 का मेरे को 23 दिखा रहा है, बट जो 5000 है वो मेरे को पहले ही मिल चुके हैं, ठीक है ना। और मेरा 5000 का यहाँ पर मैंने पे आउट मारा था, इसलिए यहाँ पर 23000 यहाँ पर शो हो रहा है दोस्तों। तो जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो मेरा यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे यहाँ पर आपको इसमें कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पर वो नहीं है, जो नेट टोटल है, जो नेट टोटल बिफोर लेविस है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा आपको डाउट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 6691 और यहाँ पर आपको ये सब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, आप यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या चार्ज यहाँ पर पे कर रहे हैं ब्रोकर को, ठीक है। अभी के लिए मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो चलो बाय दोस्तों।